आपको कुछ काटना है तो ये आप छुरी यहाँ पे, और एक और मिनी छुरी भी यहाँ इसके अंदर मौजूद है, ये साथ कुछ लगा वो खाने के लिए भी है, स्टाल लगा हुआ है बड़े बड़े जो जिसे हम पाइप रेंच बोलते हैं, ये वो वाले पाइप रेंच है सारे, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं हर तरह का, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे पेज का है, 4,000 रुपये का एक किलो देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पार्ट 3 ऑफ कंटेनर मार्केट। यहाँ पे देख सकते हैं आप पोर्टेबल चम्मच है, पोर्टेबल कांटा है, आप कहीं बाहर हैं तो आपको ज़रूरत होती है सामान की, आपने कुछ माल्टे लिए हैं तो आपने सेब लिया तो आपको छीलने की ज़रूरत होती है, आप बड़े परेशान होते हैं कि मैंने छील के खाना लेकिन है कुछ नहीं, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक चाकू है इसमें, ठीक है, और आपने खीर लिया है तो ये चम्मच भी है इसमें और ये कांटा भी है, ये देखें ये पोर्टेबल, ये सारा बहुत ही छोटा हो जाएगा, ये आप पैसे डाल के आप पैसे पॉकेट में भी डाल सकते हैं और बैग में भी रख सकते हैं छोटा, ठीक है। तो ये सारा ये सामान यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे पोर्टेबल भी यहाँ पे सेक्शन है, यहाँ पे टेबल पे आपको सामान नजर आ रहा है, सारा ये पोर्टेबल सामान है, यानी कि आपको पॉकेट में रखने के लिए सारा सामान है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक डब्बी है, इसके अंदर आपको हर तरह का जो पेज खोलने के लिए जो स्क्रू ड्राइवर होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए ये चाइना की कोई फिटिंग होती है जो अक्सर होता है ना उसमें वो जार वाला पेज कसने लगता, तो यहाँ पे हर तरह का पेज का हर तरह का पेज खोलने के लिए यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर मौजूद है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर ये एक चीज़ है, ठीक है, और इसको ऐसे खोलेंगे और यहाँ पे लगा देंगे ऐसे और इसको ऐसे लगा देना, तो ये आपका एक पेज का तैयार हो जाएगा, यानी कि पोर्टेबल पेज का तैयार होगा, इसको आपने वैसे ही वापस इस तरह लगा देना और यहाँ पे इसको इस तरह लगा देना, ठीक है, और इसको ऐसे पैक कर देना और ये हो गया, ठीक है। ये इस तरह का पोर्टेबल सारा सामान है, तो यहाँ पे और भी देख सकते हैं आप, ये है टूटा हुआ है तो ये चेक करें आप, ये छोटा सा ये भी है, तो इसमें हर तरह का एक मुँह वाला, और इस तरह ये भी थोड़ा सा बड़ा एक मुँह वाला है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, और इसमें 4 मुँह वाला, ये भी छोटा 4 मुँह वाला, इस तरह के डिफरेंट पेज का यहाँ पे इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। और ये भी सामान कोई इसी तरह का था लेकिन ये सारा इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे एक और चीज़ थी, ये चेक कर सकते हैं, ये छोटा सा प्लास है, ठीक है, पोर्टेबल प्लास है आप इसे कह सकते हैं, इसके अंदर एक छोटी लाइट भी मौजूद है, ये देखिए ये लाइट है इसके अंदर, ऐसे खोलेंगे ये ऐसे बंद हो जाएगी और यहाँ पे ऐसे खुल जाएगी, ये लाइट है छोटी सी, और ये प्लास है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अंदर ही आप देखें आप इसको दोबारा खोल लें तो यहाँ पर आपको जैसे वो नाखून तराशने के लिए ऐसे होते हैं ना, बहुत ये चीज़ लगी है यहाँ पर, ठीक है। और इसको दोबारा एक और चीज़ खोलें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये एक छुरी नज़र आ रही है आपको, आपको कुछ काटना है तो ये आप छुरी यहाँ पे, और एक और मिनी छुरी भी यहाँ इसके अंदर मौजूद है, ये साथ कुछ लगा वो खाने के लिए भी है, और ये एक और चीज़ भी है, ये इसका मुझे नहीं पता क्या है, तो ये सारे आप इस तरह बंद कर सकते हैं और इसको बंद कर सकते हैं और इसको बंद कर सकते हैं, और ठीक है ये आप छोटा सा प्लास भी बन गया और इस तरह का सामान है सारा, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक कांटा है और साथ छोटी सी ये पता नहीं क्या चीज़ है खोलने के लिए है, एक छोटी सी छुरी भी बनी हुई है और एक चीज़ खाने के लिए भी है, तो खैर ये कह रहे हैं टूटा हुआ है, ये पूरा नहीं है, तो खैर आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा स्टॉल लगा हुआ है बड़े बड़े जो जिसे हम पाइप रेंच बोलते हैं, ये वो वाले पाइप रेंच है सारे, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं हर तरह का यहाँ पाइप रेंच पड़ा हुआ है, यहाँ पे बड़े बड़े देखें छोटे देखें जो भी है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है सारा, ठीक है। और यहाँ पे आप आएँ तो यहाँ पे आपको हैमर नज़र आ रही है, थोड़ी नज़र आ रही है देखने को मिल रही है, और ये सारा सेक्शन आप देख सकते हैं सारा थोड़ी सा भरा हुआ है, तो ये देखें वैसे भी मिल जाती है, अगर आपने खुद डंडा वगैरह खुद डलवाना है तो आप ले जाएं और इसमें आप खुद डंडा डलवा लें और ये आपके थोड़ी तैयार हो जाएगी, तो इस तरह यहाँ पे आपकी डिग्री काम नहीं कर रही तो आप ये ले सकते हैं और आप मिस्त्री बन जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे सारा वो जिसे हम गरमाला बोलते हैं, ठीक है, ये गरमाला है, ठीक है, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्लेट हैं सारे, ठीक है ना, ये ब्लेड है जो कटर में लगते हैं ना ब्लेड, वो वाले ब्लेड हैं सारे, कुछ खोल के आपको दिखा देता हूँ, खुल नहीं रहा यार, हाँ खुल गया सर, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर सारे ब्लेड हैं, ये वाले ब्लेड हैं इसके अंदर, आ जाए यार मैं नाल ही आ जाता
यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे चैन गाड़ी सेट जो होते हैं गाड़ी सेट, ये वो वाले सिस्टम है, ये चैन पे लगेगा। पता नहीं साइकिल का पता नहीं किसका है लेकिन यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह पे यहाँ पे इस तरह और भी आप काफ़ी सारा सामान देखने को मिलता है। ये पता नहीं, हाँ ये वो वाली है, आ रही है, ठीक है। यहाँ पे चेक करें, अजीब अजीब सामान देखने को मिलता है मुझे, जो मैंने कभी देखा ही नहीं। मैंने इसके बाद पाकिस्तान में होके तो देखेंगे। यहाँ पे और भी तरह का काफ़ी सामान है, ये रेलिंग वगैरह तो ये सारा प्लॉट का माल है। देखिए क्या सब आ गया इधर, ये चेक करें, हर तरह की आपको चाबी मिलेगी, यानी कि आपने कोई भी नट खोलना है आपने, ये आपको हर तरह की चाबी यहाँ पे मिलेगी। यहाँ देखिए हर साइज़ की यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे देखिए पूरा साइज आपको पूरे साइज भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप चाहिए सारी लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे भी खोलने के लिए पता नहीं क्या चीज़ है, तो ये टाइल्स वगैरह है।